वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली कैसे आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत में रखे और अपनी बरकतें सब पे नाजिल फरमाता रहे और आज का व्लॉग जो है वो आपने जैसे कि पहले ही कवर से देख लिया होगा ये जो आजकल चले हुए हैं ना मेहंदी वाले स्टिकर्स जो होते हैं तो लड़कियों को स्पेशली इनका ज़्यादा पता होगा जो लड़कियां मेरे व्लॉग्स देखती हैं और जो फॉलो करती हैं वो उनको ज़्यादा पता होगा कि ये आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं ठीक है थेके? आपको वीडियो में नज़र आ रही है अच्छा मेरे ना एक सब्सक्राइबर है उनका मुझे मैसेज आया था मतलब वो कमेंट आया था वो कह रहे थे कि आवाज़ जो है ना आपकी ना लाउ नहीं होती है तो अपनी तरफ से तो मैं बहुत ज़्यादा लाउड बोलती हूँ और मैं कितना ज़्यादा लाउड बोलूँ तो आप ना या तो हाई करके वॉल्यूम तो सुन लिया करें लेकिन अब मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा और लाउडली बोलूँ अच्छा तो मैं ये आप नेल पेंट अच्छा मैंने ना ये नेल पेंट लगाया हुआ है ना वो जो एक फिंगर पे ना वो थोड़ा लाइट था एक्चुअली ये मैं ना तब टेस्ट कर रही थी जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि फ़ैमिली में शादी है कज़न की शादी है उसी की ही शॉपिंग चल रही है तो वहाँ पे मार्केट गई हुई गए हुए थे ना तो वो ना नेल पेंट्स वगैरह को चेक कर रही थी जैसे टेस्ट करते हैं कि, कि किसका शेड कैसा है क्योंकि जो मेरा ड्रेस है वो ग्रे कलर का है बारात पे जो पहनना है तो उसके लिए शॉपिंग की थी तो ये देखिए अच्छा तो मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करने लगी हूँ इस यहाँ से इसका रिव्यू तो इसके जो प्राइस थी वो टू फिफ्टी लेकिन जो है ना बार्गेनिंग करके तो टू हंड्रेड आपको पता है सुगढ़ बच्ची हूँ मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है थोड़ी सी बार्गेनिंग करवा के जाहिर सी बात है अगर आप वो टू फिफ्टी बताएँगे ये कौन सा जैसे मॉल वगैरह में तो फिक्स प्राइसेज होती है ना बट आई परचेज इट फ्राम लोकल मार्केट राइट तो ये टू हंड्रेड इसकी प्राइस थी और ये लार्ज में था इसमें ना स्मॉल साइज भी आ रहा है और मीडियम भी आ रहा है और ये लार्ज मैंने लार्ज सेलेक्ट किया अच्छा ये जो सेंटर में बने हुए हैं ना आई थिंक इनको या तो फ्रंट पे लगा लें या फिर अच्छा ये ना रीयूज़ेबल होते हैं जो शॉपकीपर है ना वो मुझे बता रहे थे कि ना सिस्टर ये ना रीयूज़ेबल है आप इनको आ, एक दफ़ा यूज़ करके उसके बाद दोबारा से वॉश करके या क्लीन करके आप इनको दोबारा से रख सकती हैं दोबारा से भी आप इनको अप्लाई कर सकती हैं अब मुझे नहीं पता कि ये री यूज़ेबल हो है या नहीं है क्योंकि ये तो मैं यूज़ करके उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ शेयर करूँगी इसका पार्ट टू फिर मैं उस उसमें आपको बताऊँगी कि ये मत मतलब सारे डिज़ाइन्स थे और ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा डिज़ाइन लूँ तो पहले मैंने एक चूज़ किया उसके बाद मैंने इसको चूज़ किया फिर मैंने एक और चूज़ किया फिर मैंने कहा नहीं नहीं यही वाला सबसे अच्छा है तो मैंने कहा अंकल यही वाला दे दें तो जाहिर ज़ाहरी जा, जा, सी बात है ज़्यादा ऑप्शन हो ना फिर चूज सेलेक्टिंग में थोड़ा सा वो होता है डिज़ाइनस की बात कर रही हूँ मैं तो ये देखिए ज़रा और इसका जो ये पीछे गत्ता है ना इस तरह का लगा हुआ था और मटेरियल इसका काफ़ी फ़ाइन था मुझे अच्छा लगा और मैं इसको यूज़ करके फिर आपको सेकंड वीडियो में बता दूँगी ठीक है और इससे आगे मैं आपके साथ निकाह की बिथ जो होती है ना निकाह के बाद तकसीम करते हैं छुहारे वगैरह वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ घलना निकाह एक्चुअली शादी से पहले हो चुका है ना ये देखें और मुझे आ, बहुत मज़ा आया खाने में और चॉकलेट और माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और इस कपल की में भी खैर बरकत अदा फरमाए आप सब भी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला सबको ये खुशियां नसीब फरमाए और मिलती हूँ व्लॉग में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें दुआ में याद रखें आसानियाँ बाँटते रहें और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें लाइफ बहुत छोटी है और यहाँ पर ये आ, कुछ दिखाना भूल गई थी मैं ये मैंने यहाँ पे ना जब मार्केट गई थी तो मैंने ये ना बाय किए ये पैक था और ये ना घर में यूज़ करने के लिए काफ़ी मतलब लड़कियों को पता है कि इसकी ज़रूरत तो हमें रहती ही है हर वक्त रहती है मतलब ये वेस्ट ऐसी चीज़ें जो वेस्ट नहीं होगी इस पर अगर हम मैंने कहा ख़रीद भी लो ना तो छः महीने आराम से निकल जाएंगे दो पैकेट भी इंसान ले ले तो उसमें ये जो होते हैं ना तो इनकी ना जो क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी फ़ाइन लगी और अच्छा मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से चेक करती हूँ जब मैं ये चुटकियाँ या कैचर वगैरह खरीदती हूँ ना तो मैं उसको प, मतलब पकड़ के तो फिर मैं उसकी कितनी टाइटनेस है वो मैं चेक करती हूँ ना वो एवरेज थी मतलब अच्छी थी ये नहीं है कि ये बहुत जल्दी टूट जाते या फिर बहुत देर से टूटते नहीं बस मीडियम थी मीडियम क्वांटिटी के मतलब क्वालिटी के थे ये और Uh, मैं ना जानना चाहती हूँ कि मेरा व्लॉग जो है वो किस किस सिटी uh, से या किस किस कंट्री में देखा जा रहा है तो आप लोग अगर मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे कमेंट uh, सेक्शन में आके जरूर बताइएगा कि आप किस कंट्री uh, से बिलोंग करते हैं uh, क्योंकि मुझे ना यूट्यूब स्टूडियो में ये शो हो रहा था कि मेरा जो चैनल है वो रशिया में उजबेकिस्तान में और कजाकिस्तान में देखा जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया में तो देखा ही जाता है और तो मैं आ, मतलब मैं हैरान हो रही थी कि रशिया में मेरा चैनल कैसे लोग पसंद कर रहे हैं रशिया में या फिर उजबेगिस्तान और कजाकिस्तान मतलब समझ में आता है ना कि अगर यूएई में या इस तरह की जगह पे देखा जा रहा है तो वो तो समझ में आती है कि वहाँ पे भी पाकिस्तानी होते हैं या चलो इंडियंस को भी हमारी ज़ुबान समझ में तो आती है ना ये, ये एशियन जो होते हैं लेकिन रशिया जो है ना फिर मैंने अच्छा मैंने गूगल पर झाके फिर ना वो करेंसी और वगैरह चेक किया कि पाकिस्तान से लोएस्ट है या हाइस्ट है एक्चुअली मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है